amanat.com. Assalamu alaikum ji, mera naam Malik bin Rifan hai, main Amanat ka head of sales hu ji. Aaj hum discuss karna cha rahe hain top residential projects jo Islamabad ke andar based hain. Islamabad basically to bahut chota sa ek shahar hai, magar ab isko further expand kiya ja raha hai. कुछ ऐसी लीगल सोसाइटीज़ हैं और बड़े लोग इन्वेस्टर्स हों, जेन्युइन क्लाइंट्स हों, जिन लोगों ने अपने घर और प्लॉट्स बनाने हों, उन लोगों का बड़ा दिल होता है कि ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो और जहाँ वो फ्यूचर में कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकें. ठीक है, मैं रन बाय करूँगा आपसे तकरीबन 5 डिफरेंट सोसाइटीज़ जो बहुत वाइबल हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जिनमें आपको इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जो सिर्फ लमसम में ऑप्शन होंगी. We'll start off with our first society जी, जो गुलबर्ग ग्रीन्स हैं. इसको IBECHS भी कहते थे क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पुराना नाम है. मेन इस्लामाबाद अगर आप एक्सप्रेस वे लेते हैं तो ये उधर लोकेटेड है, बैरियर से थोड़ा सा पहले, पहले BWD से थोड़ा सा पहले लोकेटेड है. और IB में आपको डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे और ये लमसम पे आपको अवेलेबल है. यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों अवेलेबल हैं. पूरी डेवलप सोसाइटी है जिसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी नॉन पोजिशनेबल हैं. बाकी ओवरव्यू ये है कि एक सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में बहुत हाइप्ड और डिमांड है इसकी. CDA पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई लीगैलिटी इशू नहीं है. आप आज चाहें तो इधर घर बना सकते हैं और जिस हिसाब से इनकी अप्रिसिएशन और कैपिटल अप्रिसिएशन देखी जा रही है फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स, दिस इज़ अ वेरी साउंड इन्वेस्टमेंट. अच्छा, सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव वंडरफुल प्रोजेक्ट जी, जो H-17 और 18 कश्मीर हाईवे पर अगर आप तो लोकेटेड है, इट्स कॉल्ड 18 की स्पेशलिटी ये है कि पहले तो बहुत साउंड डेवलपर्स इसको बैकअप कर रहे हैं. सेल्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज है और कोई साउंड बिल्डर्स हैं जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इसके, और एक ऑरिस्कॉम है जिनकी ज़मीन है. ओवरऑल दे डू हैव NOC, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी साउंड, एंड आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट लग्जोरियस सेक्टर्स दैट्स अपकमिंग इन इस्लामाबाद जी. The beauty of this society is that 70% of the total area is going to be a green area. They have a beautiful 18-hole golf course, jo har villa se aapko access diya jayega. So this is an overview about 18, or ideally it's a little expensive investment. Jo either aapko villas bhi mil jayenge that are on installments, you also have apartment options, and there is commercial options jo that are available on installments. And this is a very viable and very livable society that is going to be, and they are setting up new standards jo CDA ke standards se they're way higher. Theek hai ji, very open roads, very luxurious location to be in and live in. The third location is B17, basically multi gardens ke naam se bhi bahut mashhoor hai. B17 ye CDA ka sector hai aur isme multiple blocks hain. Most of them are possessionable. Abhi G aur F block mein aapko installment mein bhi cheeze mil jayengi. Abhi ये एक लिवेबल सोसाइटी है जहाँ कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है. पानी, बिजली, गैस इज अवेलेबल, NOC इज़ अवेलेबल, एंड अ वेरी वेरी साउंड एंड सॉलिड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड रिटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो द फोर्थ ऑप्शन जी दैट वी विल रिकमेंड टू यू, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ CDA सेक्टर. बेरिया इज़ अ प्राइवेट डिवेलपर एंड एशियाज लार्जेस्ट डिवेलपर दैट इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान एक्टिवली. और बेरिया में आपको मल्टीपल डिफरेंट छोटी कैटेगरीज़ के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, बड़ी कैटेगरीज़ के भी प्लॉट मिल जाएंगे. दे आर वेरी आइडियली लोकेटेड फ्रॉम कश्मीर हाईवे एंड दे आर अबाउट 8 to 10 minutes ड्राइव फ्रॉम सरीना एज़ वेल. देर आर सम ऑप्शंस जो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी इधर डायरेक्टली. दी फिफ्थ ऑप्शन इज़ बेसिकली F18. दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ए CDA सेक्टर जी. F18 फैसल टाउन के नाम से और मशहूर भी है. ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ZM इंटरनेशनल की जो इसको पूरा डेवलप कर रहे हैं. वो इज़ बैक्ड बाय अ वेरी सॉलिड पर्सन जो जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, चौधरी मजीद साहब. ये सेक्टर में आपको ओरिजिनली 30% डाउन पेमेंट से चीज़ें मिल रही थी और 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान्स थे. हाउएवर अभी इधर आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रीसेल में हैं. ये बड़ी तेज़ी से अपकमिंग सेक्टर भी है क्योंकि ये एयरपोर्ट से भी इतना वाकिफ नहीं है और ये न्यू इस्लामाबाद की तरफ से मशहूर है. और अपकमिंग इनकी बहुत पॉजिटिव एक वाइब है मार्केट में, बहुत क्रेडिबिलिटी है, एंड होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सॉलिड रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन. सो स्टेइंग ट्यून्ड विद Ammant.com जी. वी होप यू लाइक द कंटेंट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू. Ammant.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.